नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आज महाराष्ट्र में बीजेपी का नोट जिहाद, लेकिन प्रश्न चिन्ह के साथ। दरअसल महाराष्ट्र की चुनावी हवा में वोट जिहाद के बाद अब विपक्ष की ओर से नोट जिहाद का नारा आया है। गंभीर आरोप लगा है बीजेपी के कद्दावर नेता और महासचिव विनोद तावड़े पर। कल चुनाव से एन पहले आज महाराष्ट्र के पालघर में बड़ा खेला हो गया। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने तावड़े को एक होटल में घेर लिया। इस आरोप के साथ कि तावड़े नालासोपारा से बीजेपी कैंडिडेट को जिताने के लिए 5 करोड़ लेकर पहुंचे थे। यह मामला कैश फॉर वोट कांड से जुड़ा है, जो बेहद गंभीर है। और ठीक मतदान से पहले इन आरोपों पर अब बीजेपी असहज जरूर है, लेकिन सिरे से इन आरोपों को खारिज भी कर रही है। विनोद तावड़े भी खुलकर कह रहे हैं जांच करवा लो, सच सामने आ जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में एक पेंच है। पेच ये कि बीजेपी के ही भीतर से दबी छुपी जुबान में कहा जा रहा है कि विनोद तावड़े अपने ही पार्टी नेताओं की राजनीति का शिकार हुए हैं। संजय राउत ने तो इस पर खुलकर बयान दिया। तो फिर सच क्या है, नोट जिहाद या वाकई कुछ और? देखिए, वोटिंग से पहले नोट कांड करता बीजेपी के दिग्गज नेता विनोद तावड़े। आरोप करोड़ों रुपए बांटने पहुंचे थे। 9 लाख रुपए। कार्रवाई, पुलिस ने FIR दर्ज की। महाराष्ट्र में वोटिंग के एक दिन पहले आई इन तस्वीरों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मतदान से पहले कैश फॉर वोट कांड का आरोप और इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। देखिए, ये विनोद तावड़े हंगामे के बीच नर्वस नजर आ रहे हैं और अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। मौके पर पुलिस मौजूद है। देखिए किस तरह से नोट निकल रहे हैं लिफाफे से। इस नोटों को लेकर कहा जा रहा है कि रंगे हाथ पैसे बांटते हुए पकड़ा गया है। लिफाफे में पैसे बांटे जा रहे थे और जहां पैसे बांटे जा रहे थे वो जगह है पालघर इलाके का होटल विवांता। पैसे बांटने की सूचना पहले से बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को मिली थी। वो मौके पर पहुंच गए और जब तस्वीरें सामने आई तो सब हैरान रह गए। जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, बीजेपी और विनोद तावड़े के खिलाफ नारे लगे। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं, ये वो गाड़ी जिससे बीजेपी नेता विनोद तावड़े होटल विवांता पहुंचे। होटल के रूम नंबर 405 में वो रुके थे और आरोप है कि यहीं उन्होंने रुपए बांटे लिफाफे जिन्हें बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता लहराते दिख रहे हैं। 405 नंबर कमरे से जो रजिस्टर मिला है उसमें विनोद तावड़े का नाम लिखा है, उनकी गाड़ी का नंबर लिखा है, तारीख 19 नवंबर पड़ी है, कमरा नंबर 410, 405, 416 और लिखा है। इन कमरों में कौन कौन रुका है? रजिस्टर में कुछ और पन्ने जिन पर कुछ संख्या और नाम लिखे इसका जिक्र हो रहा है। कमरे के अंदर से 500 के नोटों की गड्डियां, जी हां, 500 के नोटों की गड्डियां भी मिली हैं, जिनको आप देख सकते हैं।
9 लाख कैश बताया जा रहा है। होटल रूम से रुपए बरामद हुए तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आपने देखा किस तरह नोटों की गड्डी से लेकर पैसे बांटने की तस्वीरें सामने आई। मतदान से ऐन पहले इनका सामने आना बहुत अहम है, इन्हें हम सबूत भी कह सकते हैं। सबूत नंबर 1, लिफाफे से नोटों का मिलना। सबूत नंबर 2, कमरे से नोटों की गड्डियों का मिलना। सबूत नंबर 3, रजिस्टर में संख्या लिखी होना। और सबसे अहम, बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े की मौके पर मौजूदगी। पालघर के होटल विवांता से जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई, महाराष्ट्र की राजनीति में हंगामा मच गया। वोट से पहले नोट कांड के रूप में इसकी चर्चा होने लगी। विनोद तावड़े की तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं की ओर से यह पूरा मामला सामने लाया गया है। आखिर बहुजन विकास अघाड़ी है कौन और उसकी ओर से क्यों यह पूरा मामला सामने लाया गया है? तो हम इसको समझते हैं। बहुजन विकास अघाड़ी के प्रमुख हितेंद्र ठाकुर हैं, उनके बेटे क्षितिज ठाकुर हैं। इनकी पालघर वसई विरार इलाके में अच्छी पकड़ है, यहीं से ये विधायक और इस चुनाव में भी मैदान में। बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं का कहना है कि उन्हें रुपए बांटने की जानकारी पहले से थी, इसलिए वो लोग होटल पहुंच गए। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं के पहुंचते ही हंगामा शुरू हो गया। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े को घेर लिया। कार्यकर्ता आक्रोशित थे, वो बीजेपी नेता के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। क्षितिज ठाकुर स्थानीय सिटिंग विधायक है, उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी नेता 5 करोड़ रुपए लाए, डायरी मिली, पैसा कहां बांटा गया इसकी जानकारी। इधर तो अभी पैसे मिले भी है, इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने डिक्लेयर करने दो, बैंक में पैसे है, डायरिया है, जिसको कितना दिया वो नाम लिखे हुए हैं। कितना पैसा बांटा हुआ है? 5 करोड़ लेके आने वाले थे, ऐसा बीजेपी के नेता ने मुझे बोला था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने अंदाज में कैश कांड को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा है? राहुल गांधी ने वो वीडियो भी टैग किया है जो विनोद तावड़े की मौजूदगी में नोट लहराते हुए सामने आया है। हंगामे के बीच विनोद तावड़े सामने आए और उन्होंने बड़े ही सधे अंदाज में पूरे मामले पर सफाई दी और अपना पल्ला झाड़ा, डायरियां दिखाई, कहा कि ये सब महाविकास अघाड़ी की साजिश है। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या सिटी है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। चुनाव आयोग उसके इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ, जो वास्तव है वो सबको पता है, और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह। विनोद तावड़े कह रहे हैं चुनाव आयोग जांच करा ले, आरोपों में सच्चाई नहीं। लेकिन जैसे ही ये तस्वीरें वायरल हुई, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारे बैग की जांच आज भी हुई, हम तुलजा भवानी दर्शन के लिए जा रहे थे, उन्होंने पैसे बांटने को बीजेपी का वोट जिहाद बताया और नया नैरेटिव दिया, बांटेंगे तो जीतेंगे। सारे सबूत लेकर कार्रवाई तो होनी चाहिए, अन्यथा मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र अपनी ओर से जो कार्रवाई करनी है वो करेगा। ये शायद उनके बीच में गैंगवॉर हो सकता है, बीजेपी ने अंतरूनी टिप दी होगी या मिंडे गुट जो है, कल ऐसे किसी ने मुझे कहा कि नासिक में उनके लोग पकड़ ही गए थे, भाग गए, ऐसे सुना था, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। महज कुछ घंटों पहले क्यों बांटा जा रहा है, क्यों लेकर आए हैं, ये एक सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि कानून और नियम ये कहता है कि चुनाव प्रचार थम जाने के बाद
18 नवंबर शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार थम जाने के बाद कोई भी किसी और चुनावी इलाके में नहीं रह सकता है। नोटकांड को लेकर एनसीपी शरद गुट के नेता सुप्रिया सुले ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तस्वीरें डराने वाली, बीजेपी के इतने बड़े नेता की ओर से ऐसा किया जा रहा था। वहीं बीजेपी की ओर से भी विनोद तावड़े का बचाव किया जा रहा है। पार्टी पूरे मामले को झूठा बता रही है। विनोद तावड़े जी, जो कि एक जनरल सेक्रेटरी और सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक रेड में, और ये रेड इलेक्शन कमीशन की नहीं थी, वो जो उनके अपोजिंग कैंडिडेट हैं उनने जब रेड किया तो उनके पास 5 करोड़ रुपए और एक डायरी जिसमें उन्होंने किसको पैसा बांट रहे थे एक होटल में पाए गए हैं। तो ये क्लियरली साबित करता है जो हम बार बार आरोप लगा रहे हैं कि ये वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जिसने सोच लिया है कि वो सत्ता में तभी आ सकते हैं जब धनबल का इस्तेमाल करते हैं। जिस नाला सोपारा विधानसभा में इस घटना का आरोप लगाया गया है वहां महाविकास आघाड़ी मुख्य लड़ाई में ही नहीं है। मतलब जिसे कहते कहावत होती है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मगर यहां चाय से ज्यादा केतली गर्म है, उनसे ज्यादा गतिविधि महाविकास आघाड़ी के निरर्थक और निराधार आरोपों में दिखाई दे। विनोद तावड़े की तस्वीरें सामने आने के बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा। प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही। इसी बीच महाराष्ट्र में वोटिंग की तैयारी, लेकिन उससे पहले जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है उसने नोटों के बल पर इलेक्शन जीतने को लेकर एक नई बहस छेड़ दी।